सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के बीच रविंद्र जडेजा को लेकर विवाद गहरा गया है। माइकल वॉन ने मंगलवार को जानकारी दी कि मांजरेकर ने उन्हें ट्विटर से ब्लॉक कर दिया है। वॉन ने ट्विटर पर लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, मुझे संजय मांजरेकर द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। संजय मांजरेकर ने जडेजा को पूर्ण खिलाड़ी न मानते हुए कहा था कि वह उनके स्थान पर टीम में एक पूर्ण गेंदबाज या पूर्ण बल्लेबाज शामिल करते। इस बात पर रविंद्र जडेजा ने ट्वीट कर मांजरेकर से खिलाड़ियों का सम्मान करने की बात कही थी। टीम इंडिया ने आईसीसी विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में जगह बनाई और तब संजय मांजरेकर ने रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में चुना। यह देखने के बाद माइकल वॉन ने संजय मांजरेकर की टांग खिंचाई शुरू कर दी, जिसे मांजरेकर ने तुरंत खत्म कर दिया। माइकल वॉन ने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने देखा कि आपने एक ऐसे खिलाड़ी को चुना है जो पूर्ण नहीं है। इसका जवाब देते हुए मांजरेकर ने लिखा, मेरे दोस्त वॉन, मैंने भविष्यवाणी की है, ना कि यह मेरी टीम है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।